नमस्कार, मैं महिमा किराड़ू, आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में क्रिया चक्र। क्रिया आपने वैसे तो पढ़ा हुआ है, जिसे वर्ब कहा जाता है इंग्लिश में। तो क्रिया का अर्थ क्या होता है? जो क्रिया शब्द है उसका अर्थ होता है कार्य, और क्रिया को हम काम भी कहते हैं। मनुष्य ऐसा प्राणी है जो बिना क्रिया के नहीं रहता। चाहे वो सो रहा है, चल रहा है, बैठ रहा है, तो भी उसमें क्रिया सम्मिलित है। यानी मनुष्य का जीवन बिना क्रिया के नहीं है, मनुष्य क्रियाशील प्राणी है। ठीक है, तो चलो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। क्रिया, क्रिया। अब ये कुछ वाक्य मैंने लिखे हैं। पहला देखो, खुशी सो रही है। दूसरा वाक्य, कनिका चाय पी रही है। तीसरा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। चौथा वाक्य है, वर्षा हो रही है। तो आपको लगा कि कुछ ना कुछ तो कार्य सब वाक्य में हो रहा है, यानी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता। ठीक है, पहले वाक्य में सो रही है, तीन शब्द क्रिया के हैं, सोना, रहना और बोलना, तीनों शब्द क्रिया के हैं। दूसरे वाक्य के अंदर पी रही है, पीना, रहना और है, ये भी क्रिया है। बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं में पढ़ना, रहना है, क्रिया है। और वर्षा हो रही है, यानी चारों वाक्यों में कोई ना कोई कार्य हो रहा है। तो क्रिया शब्द का क्या अर्थ होता है? क्रिया शब्द का अर्थ होता है कार्य या काम, कोई भी आप बोल सकते हो। ये दोनों इसके पर्यायवाची भी है। अब क्रिया को परिभाषित कैसे करते हैं? क्रिया को परिभाषित करते हैं क्योंकि क्रिया के शब्द होते हैं, क्रिया वाक्य नहीं है, क्रिया के शब्द होते हैं। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। बोध होना यानी पता चलना, हमें ज्ञात होना। तो जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का होना पाया जाता है या करना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखो, जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, चलना, बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, यानी क्रिया खूब है। अब क्रिया का मूल रूप होता है जिसे कहा जाता है धातु। प्रत्येक क्रिया का मूल रूप होता है जिसे धातु कहते हैं, और ये परिवर्तन होता है। इसका कारण क्या है? लिंग, काल और अवस्था के कारण से इसमें परिवर्तन किया जाता है, जबकि मूल रूप सब क्रियाओं में समान रहते हैं। अब मूल रूप जैसे पढ़, लिख, चल, खा, पी, ये आदि शब्द हैं जो कि मूल रूप कहलाते हैं, जिनमें कुछ जुड़ा नहीं रहता। अगर इनके साथ में हम नाम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इसका रूप बदल जाता है और क्रिया बन जाती है। जैसे पढ़ मूल रूप है और इसके साथ में हमने नाम प्रत्यय जोड़ा है तो हमारे पास शब्द आया पढ़ना। इसी प्रकार से सो, यानी सो के साथ में हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ पर शब्द बना सोना। अगर यहाँ पर या प्रत्यय जुड़ जाता तो सोया, और ये काल के साथ परिवर्तित हो जाता। अब यहाँ पर रो प्रत्यय है, रो शब्द है रो के साथ में, जो कि मूल धातु है क्रिया की, और यहाँ पे हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो हमारे पास शब्द आ गया रोना। इसी प्रकार से खो मूल धातु है और मूल धातु के साथ में ना प्रत्यय जोड़ा तो खोना। इसी प्रकार से चल मूल धातु है, इस चल के साथ में ना प्रत्यय जोड़ दिया तो चलना हो गया, जबकि अगर चल के साथ में चलेगा एगा प्रत्यय जोड़ते हैं तो वहां पर चलेगा। चलता यानी ता प्रत्यय जोड़ दिया तो ता चलता शब्द बन जाए। अब हंस, हंस क्रिया का मूल रूप है और उसके साथ में ना प्रत्यय जोड़ा तो हंसना। उसी प्रकार से लिख प्लस ना तो यहाँ पर शब्द बन गया हमारा लिखना। यानी अधिकांश क्रिया के जो मूल धातु होते हैं उनके साथ हम ना प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाते हैं। तो आज हमारा जो क्रिया का वीडियो है वो आज इतना ही पढ़ेंगे, अगली बार क्रिया के विधों को पढ़ेंगे।